तो हाँ भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज़ योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। मैं माजरत खाऊँ कि व्लॉग की थोड़ी सी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है आजकल, वेलिंग नहीं कर रहा मेरी थोड़ी, आपको पता तबीयत पीछे खराब थी तो ऑन एंड ऑफ सीन चल रहा है, लेकिन कोई नहीं टेंशन ले। अगर पिछले 3-4 महीने से रेगुलर लगा सकता हूँ अभी भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पर बहुत रेगुलर हूँ और मैं टिकटॉक पर बहुत रेगुलर हूँ, तो अगर आप लोगों ने मुझे उन दोनों प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया तो जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज का व्लॉग ये है कि मेहर फिजा गए थे, एशियन हेरिटेज फेस्टिवल है, बहुत सारे लोग मतलब डांस भी कर रहे थे, वो बीच में ड्रैगन शो भी हो रहा था, तो हमने जाके थोड़ा सा कवर किया था, तो ये व्लॉग काफी फन है, मजे गया। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट टिल द एंड एंड बिफोर वी कंटिन्यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, लाइक भी कर देना ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स, हम यहाँ पे आ गए फाइनली, ये जो हेरिटेज ड्रम्स बजाने वाला म्यूजिक लगा हुआ है यहाँ पे और काफी ज्यादा लोग आए हैं, बहुत ज्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, हमें तो इनफैक्ट पार्किंग भी जो है ना वो मुश्किलों से मिली है, तो मुझे लगता है कि काफी अंदर शुगर वगैरह लग रहा है, तो जाके भी चेक करते हैं। धूप फुल टाइम निकली है भाई, शुक्र है सनस्क्रीन लगा लिया, चलने वाली धूप हो गई है, शाम को थोड़ा थोड़ा नजर आना शुरू हो गया होगा। तड़क तड़ 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 बज रहा है ड्रम जो आज उधर, अच्छा वही वाले फूड स्टॉल्स लगे हुए जो मैंने आपको थोड़े लास्ट टाइम भी दिखाए थे, ठीक है। अच्छा डिफरेंट है स्टॉल्स इस दफा, हाँ वो देखो ना खिलौने वाली चीजें लगी हुई है, ये क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, वो देखो स्टैचू कैंडल्स देखो, How are you doing? All scented candles. My girlfriend does these individually. This is actually our newest. Oh wow! All scented. So basically, boys and girls, this is candles. Basically, scented candles हैं और ये Texas के जूते की तरह बने हुए हैं। लेना कोई? My girlfriend does all these. All these? Oh damn! Kawaii candles. A little windy. Kawaii candles. होय 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 होय. ये candle है boys and girls. वो देखो उसके सर पे वो बत्ती बनी हुई है. And she made these too. Oh yeah! Listen. These are listen. She started off doing these actually. These are, the detail on this is amazing. Amazing. Yeah. Here, we'll get up in there. Hubbies! Pikachu. Oh, it's a Pikachu. I would say pound cake is the flavor. तो जी हमने एक ले लिया फिर यहाँ पे, हमने एक केक वाला पकड़ लिया, चलो घर पे चला के देख लेंगे क्या सीन है। मुझे तो वो अच्छा लग रहा था, वो देखो इस पे स्कल एंड बोन्स बना हुआ है। सबसे अच्छा पता क्या था, ये वाला ले लेते हैं हम आराम से, ये देखो ऐसे इसके जलते हुए नीचे पिघलते हुए जा रहे होते। ओए वो देखो क्या हो रहा है, जल्दी आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये कोई सारे के भी मैं कोफ्ता डांस कर रहा है, चेक करो जरा इसकी अदाएं, बड़ा कोऑर्डिनेटेड डांस कर रहा है, लचक देखो मोटे में, तौबा तौबा तौबा, उसके एक्सप्रेशन सही है, करे ये 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 ये, ये देखो देखो छोटी छोटी बच्चियां सही लग रही हैं, तो पागल लग रहा है बीच में साईं बगलोल। यहाँ पे वो वन पीस वाला वो स्टैंड लगा हुआ था सामने लास्ट टाइम ना, जहाँ पे आपने देखा होगा, देखो ये वो वन पीस वाली एस बनी हुई है। These drinks are one piece inspired. Yes. What is the game that you had to play with us? उनका मुझे लगता धंधा बंद, क्या भी क्या हुआ था, ठरकी हो गया था क्या, तो बातें करती रहती हो, मैं बिल्कुल ठरकी नहीं हुआ था, वो हुई थी। वो देखो वो ड्रैगन वाले जा रहे हैं वहां से, बाजी वाला ड्रैगन कुत्ता ये वो बन के जा रहे हैं, बच्चे ने बच्चों ने बैंड चलाया हुआ है, देखो छोटे छोटे बच्चे बजा रहे हैं। हमारे बच्चों को क्या होता है, हमारे बच्चे को बेटा ये कोई काम कर लो तो हमारे बच्चे कहते हैं वहाँ पे पूरा कॉन्सर्ट करा रहे हैं बच्चे, इतने कॉन्फिडेंट बच्चे हैं यार, वो देखो कैसे पूरे ढोलक बजा रहा है छोटा सा बच्चा ना लड़की। ये आई थिंक अंदर और स्टोर्स लगे हुए, याद है मैं तुम्हें नेकलेस लेके दिया था यहाँ से, और तुमने पहना हुआ आज भी, स्टफ टॉयज रखे मैं बुके के अंदर। अच्छा अब तो तुम शादीशुदा औरत हो गई हो, तुम्हें इसका क्या करना है। वो देखो आ गया हरामदा डोरेमोन, मैं तुम्हारे लिए खुद हैंड पिक किया था लास्ट टाइम, वो देखो रेड वाला दफा, तो मैं रेड के साथ रेड पहनना चाहिए ना, शी शालमी माल लग रहा था वो। ये देखो जरा ढोलक बनी हुई छोटी सी। अच्छा जी यहाँ पे ये पॉटरी और ये यू नो वो उस तरह के एंटीक्स बेच रहे हैं, ये ऐसी चीजें होती हैं घर में बस पड़ी रहती हैं और डस्ट कैच करती रहती हैं, फजूल का काम है ये। ये अच्छा है घोड़ा, ओए होए होए, ये देखो ये $589 का, मेरे अब्बू ना हॉर्स रेसिंग में होते थे ना, तो इससे प्यारे प्यारे घोड़ों के कप जीतते थे वो, तो हमारे घर में ऐसे ही पड़े होते थे। विटामिन्स वगैरह की शॉप है, मर्दाना कमजोरी इनके पास पड़ी होगी सबसे आगे, एशियन कंट्रीज में मर्दाना कमजोरी का सबसे स्कोप है। देखो आगे दोबारा आगे दे दे। ओ पाइन ओ इजी, अंदर ही घुस गया, अंदर ही घुस गया मेरे आगे, घुस जा घुस जा तू भी घुस जा, ये देखो टेंगे ने जुई की सोर्ड पड़ी हुई है डीमन स्लेयर से, लेकिन उसका एक वो कटा हुआ है, अच्छा एक ही सोर्ड है, अच्छा लेकिन वो असल नहीं है ये, लाइक वो थोड़ी सी ना उन्होंने वुड की बनाई हुई है, अच्छी लग रही है वैसे, जोरो बना हुआ है ना अपनी लाइट के साथ, ये अच्छा लग रहा है। एक मिनट से पूछता हूँ कितने का, मुझे लगा कोई होगी $20-30 की जोरो की लाइट ही है उसमें, ऐसी क्या बात है। गिलसी ने हमें आगे बेकरी में देखो, अब इनके पास बहुत हर तरह के बंस पड़े हुए हैं, ठीक है बहुत ही पैदा शुरू हो गई
अभी मेरे बात ही करना शुरू किया कैमरा निकाल के। वो मामू के लिए ले लो ना, उनके लिए, वो आएंगे उनको दे देंगे हम। रेड बेरी टेल ले लो, ये बहुत अच्छा होता है। एक ये प्रीमियम मिल्क भी बहुत अच्छा होगा, एक ये डाल लो उनके लिए। गार्लिक चीज़ ये ले लो, एक बटर, ये बहुत अच्छा है, ये सब खाते हैं। एक ये ले लो स्वीट बटर वाला, चाय के साथ देखो, वेरी वेरी हार्ड। कि हम गाड़ी वापस आ गए थे, इतनी ज्यादा गर्मी है, हम दोनों पिघल रहे थे। सो फुल टाइम भी घर जा रहे हैं, मामू कहते हैं मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मैं तो भाई जब से तबीयत खराब हुई से इतना पूछा नहीं है। असल में आ रहे हैं वो बंस के लिए, क्योंकि हमने उनको लालच दे दी, हमने ना फिजा ने ना वो तस्वीर भेजी ना आपके लिए, हमने बंस ले लिया, तो मामू कहते हाँ आप तो आना पड़ेगा। तो घर जाके उनसे मिलते हैं, उसके बाद कोई खाने पीने का हम देखते हैं क्या प्लान करना है, लेकिन पहले मामू से घर जाके मिलता है। सी यू देयर बॉयज एंड गर्ल्स। फाइनली हम आ गए हैं मामू पीछे, और ये है डब्बा, ये लो जी पाइन सारे चॉकलेट। असल में मूसा की तेमदारी करने आया हूँ, उसके लिए मैं लेकर आया हूँ डिलीशियस बन कबाब। बन कबाब फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम थाईलैंड। थाईलैंड किसके बन ले है थाईलैंड से उठा के मारे होंगे। और थैंक यू सो मच जिसने मुझे मैसेज किए मूसा का पता करने के लिए। अच्छा किए किसी ने, फॉलोअर्स ने मुझे मैसेज किए। अच्छा कि मूसा को क्या हुआ है, मैंने तो पूरी वीडियो लगा दी यार। अब मूसा जवाब नहीं दे रहा, फिर मैंने इसे उनको बताया हमारा पता करने आए भाई। तुमने कहना कि ससुराली मुंह नहीं लगाता, जिसने मैंने कहा भाई आज पता कर ले। भाई बॉयज एंड गर्ल्स सीन है कि हम आगे हैं टेक्सास रोड हाउस पे स्टेक खाने। फिजा का बहुत दिल था, सुबह से इसने मचाई हुई थी, ये सुबह ही होगी ना वो मेरी सुबह नहीं थी, मैं वही सुबह उठ के व्लॉग भी लगाया। तो खैर एनीवेज हम टेक्सास रोड हाउस पे आ गए, हम इस वाले पे आते हैं, इनकी स्टेक बहुत अच्छी होती है, तो आ जाओ। तो ये देखो इनकी स्टेक्स यहाँ पे पड़ी होती हैं, जैसे चेक कर सकते हो आप, तो यहाँ से फ्रेश फ्रेश निकालते हैं। अच्छा जी बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये है टेक्सास रोड हाउस, एज यू कैन सी यहाँ पे हम काफी आते हैं अक्सर ना, पूरा माहौल इनका बना हुआ है, तो बीच में बार होता है इनका और साइड पे यू नो रेस्टोरेंट वगैरह है। नाउ दे आर वेरी फेमस फॉर देयर स्टेक्स ऑफ कोर्स। जो लोग आते हैं ना यहाँ पे सबसे ज्यादा खाने वही होते हैं इनके बंस। अब ये जो होते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री बंस देते हैं आपको, ठीक है, मतलब ना स्टीम वाले बंस होते हैं बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट, ठीक है, और इसके साथ ये बटर वाली होती है सॉस, सिनेमन बटर, आपको फुल जल्दी करता है। दूसरा इससे होता है कि इफ यू ईट दिस देन यू आर मोर लाइकली टू ऑर्डर डिजर्ट आफ्टर। मैं स्टेक मंगवाऊंगा, ज्यादा बड़ी नहीं मंगवाऊंगा, इस दफा बस कोई 30 ounce की मंगवाऊंगा, ठीक है, 30 ounce की होती है स्टेबल जितनी। मर दफा इनकी हैंड कट सिरलॉइन मंगवा दो, ठीक है। देखो स्टेक में से इतनी कैलरी नहीं होती, इट्स जस्ट लाइक 460 calorie 670 calorie, लेकिन उसके ऊपर मशरूम सॉस आएगी वो डलवाएंगे, और साथ इनकी साइड्स होती हैं, तो साइड्स में आपके पास कॉर्न है, राइस है, स्टेक फ्राइज है, इस तरह की चीजें हैं। ये आप चेक कर सकते हो हमारी स्टेक है जो इसपे, ये मैंने मंगवाया था स्वीट पोटेटो, क्योंकि स्वीट पोटेटो इज वेरी गुड फॉर यू, इट्स वेरी हेल्दी। फिर मैश पोटेटोज मैंने भी मंगवा लिया साइड पे चखने के लिए। जैसे स्टेक चेक कर सकते हो बॉयज एंड गर्ल्स, ये देखो कितनी जूसी जूसी है, ये देख रहे हो जरा, हाय हाय हाय। इसमें से एक पीस काट के आपको दिखाते हैं, ये मैंने मीडियम वेल मंगवाई थी ना, तो इसलिए ज्यादा पिंक नहीं है अंदर से, बट इट्स गुड। थोड़ा सा हम एक मशरूम लगाएंगे, ये बाइट चेक करो जरा कितनी ग्लेजी ग्लेजी है, मशरूम साथ स्टेक, क्या मजे की स्टेक बनाते हैं यारे लोग। जैसे ही खाया ना तो अंदर वो सारे फ्लेवर्स बर्स्ट हुए हैं, और जो मशरूम है ना वो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है इसको, ब्राउन सी सॉस है, बड़ी मजे की स्टेक सॉस है, मे बी हर बाइट के साथ ना वो टेस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लाइक यू वांट टू ईट द सेकंड बाइट रियली क्विकली। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो आपको पता क्या होते हैं, वो जो नहीं होता थे कोई रेडियो में लोगों ने लगाया होता था, क्या कहते थे सब, उन्हीं आलू देते थे वो स्टिक पे लगा के आपको, टूथपिक पे देते थे, ये वो चीज़ होती है बेसिकली। फिर ये मैश पोटैटो इनका, मैश पोटैटो इज वेरी वेरी गुड, परफेक्ट। तो हाँ भी ब्लॉग हम ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और टिकटॉक, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, लाइक नहीं करते तुम लोग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।